नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ और आप देख रहे हैं टेक्नो ब्लॉग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप और पबजी में क्या नए अपडेट आए हैं। जी हाँ, दोनों में ही कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और कुछ में किए जाने हैं। पहले बात करते हैं हम पबजी के बारे में। तो पबजी का जो नया अपडेट है वो आने वाला है 7 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, 7 जुलाई को ये नया अपडेट आ जाएगा और निविक नाम का एक नया मैप ऐड किया जाएगा। और इरेंगल 2.0 के बारे में बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, जो नया ऐप है इरेंगल 2.0, तो वो अभी लॉन्च नहीं किया जाएगा इस अपडेट में। जो 0.19.0 अपडेट है उसमें इसे ऐड नहीं किया जाएगा, उसे फ्यूचर के लिए रखा गया, बचा के रखा गया है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर बस फिनिशिंग टचेस चल रहे हैं और जल्द ही वो उसे यहाँ लॉन्च करेंगे। और इस मैप के अंदर नए फाउंटेन्स हैं, माउंटेन्स हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें खेल कर आप, मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस आपका अच्छा बढ़ेगा। कुछ इंटरेस्टिंग कुछ नया ऐड किया जाएगा। P90 और एक स्नाइपर और ऐड की जाएगी, M12 स्नाइपर राइफल ऐड की जा सकती है। साथ ही में जो नया सीज़न है वो भी बहुत जल्द आने वाला है, जैसा कि आपको पता ही है, कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएंगी। तो 7 जुलाई को ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा आपका नया पबजी का नया अपडेट 0.19.0। तो ये तो हो गई पबजी की बात। गाइज, एक बात छोटी सी ऐड करना चाहूँगा अगर आपको बुरा ना लगे तो। वेल, हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग में चली कि एक 16-17 साल के बच्चे ने पबजी खेलते वक्त अपने जो पेरेंट्स की सेविंग्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, उनके 16 लाख रुपए उड़ा दिए वर्चुअल गन्स के ऊपर, उनकी स्किन्स के ऊपर। तो गाइस, ये तो मतलब बहुत ही वाहियात चीज़ है यार। बच्चे, आजकल के बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं इस गेम को गेम की तरह ही लीजिए। इतना ज़्यादा सीरियस मत होइए इस चीज़ के पीछे, अपने करियर पे फोकस कीजिए। अब बात करें व्हाट्सएप के बारे में। तो व्हाट्सएप में नए अपडेट आ चुके हैं, कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया, आई एम हियर टू हेल्प। तो मैं बताता हूँ कि कुछ नए अपडेट क्या है। पहला अपडेट है, सबसे बड़ा अपडेट जो पहला अपडेट कि जो स्टिकर्स हम एक दूसरे को सेंड करते हैं वो जिप फाइल में जाएंगे, अब वो हिलेंगे से, जैसे कि पहले जो हाइक यूज़ करते थे या फिर वी चैट यूज़ करते थे, वैसे टाइप के जो स्टिकर्स हैं वो अब जाएंगे। इसे बहुत दिनों से इग्नोर किया जा रहा था, मतलब बहुत साल से इग्नोर किया है व्हाट्सएप ने, बट हालांकि अब इसे ऐड कर दिया गया है। दूसरा अपडेट है क्विक वीडियो कॉल का। व्हाट्सएप में अब 8 लोग एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, और अगर आपके ग्रुप में 8 से कम लोग हैं तो एक क्विक वीडियो कॉल का ऑप्शन आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जो कि आप जिसे दबाओगे तो सबके पास एक साथ नोटिफिकेशन जाएगी, मतलब एक साथ वीडियो कॉल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो ऐड की गई, एकदम से हम 8 लोगों को कॉल कर सकते हैं अगर हमारे ग्रुप में 8 से कम लोग हैं। तो ये एक और अच्छी चीज़ है। अब एक और नया फीचर ऐड है, वो है डार्क मोड। पता है, पूरी बात सुन लो। डार्क मोड ऐड किया गया है, जो पीसी वर्जन है या व्हाट्सएप वेब है, जो पीसी पे हम व्हाट्सएप चलाते हैं उसमें भी डार्क मोड अपडेट दे दिया गया है। अब आप वहाँ भी डार्क मोड का लुत्फ उठा सकते हैं। तो गाइज, एक बात और जानना चाहूँगा कि प्रैक्टिकली आप में से कितने लोग डार्क मोड का यूज़ करते हैं, और क्या सच में क्या फ़ायदा लगा आपको डार्क मोड का, से खाम खा के हाइप बना के रखे हुए थे। और लास्ट और फाइनल अपडेट की, जो छोटे स्मार्टफोन्स हैं, जो कीपैड वाले स्मार्टफोन्स हैं जिनमें व्हाट्सएप चलता है, उनमें भी अब ये जो स्टेटस स्टोरी वाला ऑप्शन है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। तो वहाँ भी आप स्टेटस देख सकते हैं, स्टोरीज लगा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ नए अपडेट्स इन दोनों ऐप्स में दिए गए हैं, और पबजी में तो आने वाले हैं 7 जुलाई को। ये मेरी वीडियो थी इन दोनों ऐप्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ज़रूर ऐसा लगा होगा कि ये वीडियो काम की है। और मैं रोज़ ऐसी ही एक वीडियो लेकर आता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके ज़रूर काम आएगी। तो गाइज, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।